आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोरेगांव की पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, कहां पर आपको रुकना है कम खर्च में और कहां पर आकर आपको स्ट्रगल करना है। और इन जगहों पर आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप इन जगहों पर जा सकते हैं। फिल्म सिटी जा सकते हैं गोरेगांव ईस्ट से, गोरेगांव ईस्ट और वेस्ट का चक्कर आप समझ लीजिए। दोस्तों, ये गोरेगांव का स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत इसको बना दिया गया है, आप ये देख सकते हैं गोरेगांव। यहाँ पर टिकट बुकिंग ऑफिस भी ऊपर है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाने के लिए ट्रेन चलती है। दोस्तों, यहीं से बनकर चलती है। अगर आप चर्च गेट भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रेन पकड़कर सीधा चर्च गेट जा सकते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए जा सकते हैं। ये गोरेगांव वेस्ट की खूबसूरती को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और ये आप ये देख सकते हैं गोरेगांव का स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, जहां से ट्रेनें बनकर चलती है। ये 1 और 2 है, ये CST के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए ट्रेन जाती है। और 4 नंबर से बोरीवली से जो ट्रेन आती है वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म से पकड़कर आप चर्च गेट स्टेशन के लिए आप जा सकते हैं और यहां से आप CST के लिए भी जा सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से। तो चलिए अब गोरेगांव की आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। ये हमारी क्रिस्टीना, जिसके माध्यम से हम आपको घूम घूम कर पूरा मुंबई शहर घुमाते हैं दोस्तों। और ये पूरा हम आपको लेकर आ चुके हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मेट्रो जो है स्टार्ट कर दी गई है। ये गोरेगांव से दोस्तों बोरीवली वेस्ट में तक अभी इसको शुरू किया गया है और ट्रैफिक से बचने के लिए सबसे अच्छा साधन है। ज़मीन के ऊपर से आप फटाफट पहुँच सकते हैं। लोगों को बहुत ही अच्छी फैसिलिटी इस मेट्रो की हो चुकी है दोस्तों। और अगर आप बोरीवली जाना चाहते हैं तो फटाफट आप यहां से ट्रेन पकड़िए और फटाक से आप 10 मिनट के अंदर बोरीवली पहुंच सकते हैं। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास में ये वेस्टर्न बिल्डिंग को आप ये देख सकते हैं। ये ओबेरॉय मॉल के जस्ट पीछे की साइड दोस्तों ये जगह स्थित है। और पूरा गोरेगांव और भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में बताएंगे आखिरी में आपको किस जगह पर गोरेगांव में रहना सस्ता पड़ेगा। ये ओबेरॉय मॉल को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये ओबेरॉय मॉल के अंदर का दृश्य आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मॉल है। यहाँ पर फिल्मों के प्रीमियर में यहाँ पर बड़े बड़े स्टार यहाँ पर आते हैं जब भी प्रीमियर शो होता है, क्योंकि ये बहुत ही रिचेस्ट मॉल इसको कहा जाता है दोस्तों मुंबई का। और ये आप ये देख सकते हैं पूरा ओबेरॉय मॉल के अंदर का दृश्य और बहुत ही खूबसूरत मॉल है दोस्तों। यहाँ पर आकर आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ से फिल्म सिटी की जो दूरी है मात्र 2.5 किलोमीटर के है, हम आपको यहाँ से फिल्म सिटी भी लेकर जाएंगे दोस्तों। चलिए पहले इस ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को हम आपको दिखाते हुए और यहाँ से अब हम आपको क्रॉस करके वापस से हम आपके लिए टर्न लेंगे और यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे, पूरा फिल्म सिटी टूर भी आपको कराएंगे। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। ये राइट साइड में आप ये देख सकते हैं पूरा ओबेरॉय मॉल जो कि हमने अभी दिखा चुके हैं। और यहाँ से पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। ये गोरेगांव ईस्ट मुंबई में हम आपको लेकर घूम रहे हैं और आप हमारे साथ में घूम रहे हैं दोस्तों। और ये यहाँ पर ओबेरॉय मॉल राइट साइड में और यहीं पर आगे दिंडोशी डिपो आता है लेफ्ट साइड में। यहाँ से आप बस पकड़कर भाईंदर जाना चाहें, बांद्रा जाना चाहें, माहिम जाना चाहें, जिधर भी आपका मन चाहे, भांडुप, मुलुंड, थाने तक का सफ़र आप यहाँ से बस के माध्यम से आप ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं तो बसेस भी काफ़ी सस्ती हो चुकी हैं दोस्तों। मुंबई शहर में बस के टिकट जो है बहुत सस्ते हैं, 5, 10 और 20 रुपए में आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और ये हम आपको ये लेफ्ट में दिंडोशी डिपो है और ये इसके पश्चात जो है गोकुल धाम आ जाता है दोस्तों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसी कॉलोनी के नाम पर, उस
सीरियल में जो सोसाइटी का नाम है गोकुल धाम, इसी के नाम पर रखा गया है। और ये पूरा गोकुल धाम यहाँ से आरंभ हो जाता है दोस्तों, और ये पूरा फिल्म सिटी रोड है। जैसा कि हमने बताया, अगर आप ओबेरॉय मॉल आ जाते हैं तो ओबेरॉय मॉल से इस रोड को सीधे पकड़िए, और अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कर लीजिए, हम आपको फिल्म सिटी तक ले कर जाएंगे। ये पूरा गोकुल धाम यहाँ पर शुरू हो जाता है दोस्तों, ये राइट साइड में पूरा गोकुल धाम बसा हुआ है। और ये गोकुल धाम मार्केट से हम आपको लेकर जा रहे हैं, ये पूरा गोकुल धाम मार्केट को आप ये देख सकते हैं। और सामने स्ट्रेट चले जाएंगे तो बिल्कुल आप नागरी निवारा परिषद कॉलोनी में पहुंच जाएंगे, जहां पर कि आप सस्ते में रहकर अपनी स्ट्रगल कर सकते हैं, और पास ही में वहां पर कॉल सेंटर्स के ऑफिस हैं। चलिए पहले फिल्म सिटी को हम आपको घुमाते हैं, उसके पश्चात उन जगहों को भी हम आपको दिखाएंगे। वो पूरी जानकारी गोरेगांव ईस्ट के विषय में आज आपको मिलने वाली है। और ये इसके पश्चात जो है ये वागेश्वरी मंदिर चौराहा आ जाता है दोस्तों, और यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, क्योंकि फिल्म सिटी के लिए अगर हमें जाना है तो यहाँ पर ये रोड जो है टर्न ले लेती है, तिराया यहाँ पर आता है, तो हमें राइट टर्न लेना है। ये वागेश्वरी चौराहा आ गया है और सामने भी हम आपको लेकर जाएंगे। चलिए पहले अच्छी जगह जो कर्म भूमि है वो हम आपको दिखा देते हैं, उसको घुमा देते हैं, ताकि फिल्म सिटी में ही आकर मुंबई शहर में अगर आप एक्टर, डायरेक्टर, कैमरामैन और प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं या आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो कर्म भूमि को देखना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। मुंबई फिल्म सिटी हिंदुस्तान की जानी मानी दोस्तों, जितने भी शूटिंग होती है इंडिया में, अगर वो मुंबई शहर में शूटिंग करने के लिए किसी भी फिल्म के लिए आते हैं तो यहाँ पर एक दिन शूटिंग करना कंपलसरी है मुंबई फिल्म सिटी में। और मुंबई फिल्म सिटी में ही दोस्तों कपिल का शो, करोड़पति का और बिग बॉस का और जितने भी शोज हैं, चर्चित शोज हैं, पूरे फिल्म सिटी में ही पूरे सेट लगे हुए रहते हैं, और बड़ी बड़ी फिल्मों के सेट भी हम आपको दिखाएंगे। ये हम आपको ये पूरा राउंड में यहाँ से ये पूरा गोकुल धाम है, और ये हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं दादा साहब फाल्के चित्रनगरी के गेट पर। तो चलिए अंदर हम आपको लिए चलते हैं, ये पूरा फिल्म सिटी की अंदर की रोड आप ये देख रहे हैं दोस्तों, यहीं पर पूरे आजू बाजू में सेट लगे हुए रहते हैं। हालांकि शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है फिल्म सिटी के अंदर, फिर भी हमने अपनी YouTube फैमिली के लिए ये शूटिंग हम आपको दिखा रहे हैं, और वीडियो के लिंक भी डाल रहे हैं। जो शूटिंग वीडियोस हैं, इससे पहले का वीडियो आप देखेंगे तो पूरे शूटिंग वीडियो देखेंगे। ये लेफ्ट में दोस्तों आने वाली संजय लीला भंसाली का सेट यहाँ पर लगा हुआ है, हीरा मंडी का दोस्तों, और वो अपनी हर फिल्म का सेट यहीं पर लगाते हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ढाबा ऐसा बना हुआ है, ढाबे का शॉट यहाँ पर ले लिया जाता है, और ये हीरा मंडी का सेट पीछे आप ये देख सकते हैं। और ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सीरियलों के और फिल्मों के सेट लगे रहते हैं। तो चलिए ये फिल्म सिटी से बाहर हम आपको लेकर आ चुके हैं, और सामने पूरा गोकुल धाम को आप देख सकते हैं। यहीं पास ही में दोस्तों संतोष नगर करके जगह है, बिल्कुल फिल्म सिटी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, ये आने वाला चौराहा जो है संतोष नगर का ही स्टॉपेज रहता है। और यहाँ पर आकर अगर आपका बजट कम है तो आप चौल में भी घर ले सकते हैं, जो कि 6 से 7 हज़ार रुपये महीना में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें परेशानी ये रहती है कि टॉयलेट अंदर नहीं रहता है किसी किसी रूम में, तो आपको बाहर जाना पड़ता है, उसमें सुलभ शौचालय को यूज़ करना पड़ता है। संतोष नगर में चौल सिस्टम है, और ये हम आपको लेकर आ चुके हैं, ये नागरी निवारा परिषद। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको फ्लैट लेना चाहते हैं रेंट पर, तो यहाँ से 15 से 20 हज़ार रुपये आपको लगेगा 1 BHK लेने के लिए दोस्तों। और
यहाँ आप 3-4 दोस्त मिलके ले सकते हैं। ये फिल्म सिटी का वाइडर शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहाड़ के ऊपर से नागरी निवारा परिषद से ये फिल्म सिटी का शॉट। और ये दोस्तों हीरा मंडी का सेट आप फिर से आप ये देख सकते हैं, वाइडर शॉट में ये पूरा फिल्म सिटी आपको नजर आ रहा है। और ये इन्फिनिटी आईटी पार्क, यहाँ पर आकर आप जॉब करना चाहें तो जॉब कर सकते हैं कॉल सेंटर्स के, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। और आप इसीलिए कहते हैं मुंबई शहर में अगर आप क्वालिफाइड रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएंगे यहाँ पर आकर। ये पूरे कॉल सेंटर्स के ऑफिसेज हैं दोस्तों। और ये पूरा फिल्म सिटी रोड का खूबसूरत दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये पूरा गोकुल धाम। और यहीं से आपको अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। 4 दोस्त मिलके अगर घर लेंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति को 5,000 रुपये आएगा। और ये पूरा संतोष नगर, गोकुल धाम, दादा साहब फाल्के चित्रनगरी के लिए सीधे जाते हैं, तो ये पूरा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ आप ये देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा गोकुल धाम का खूबसूरत दृश्य आप लोगों के सामने दोस्तों ये प्रस्तुत है। और अब हम आपको वापस लेकर आ चुके हैं अपने गोकुल धाम। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही अद्भुत जानकारी के साथ में जो कि आपके जीवन में कामयाबी हासिल आप कर सकते हैं। ये बातों को सुनकर दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए आप लोग।